नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की आवाज़ न्यूज़ इंडिया। सिवनी मालवा से सिवनी मालवा के अंतर्गत आने वाले ग्राम बावरी के हितग्राहियों ने कलेक्टर ऑफिस जाकर कलेक्टर को सौंपा आवेदन। हितग्राहियों का कहना है कि हमें अभी तक प्रधानमंत्री आवास व शौचालय नहीं मिले हैं। कई महीनों से सरपंच, सचिव और जनपद के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आश्वासन के बिना हमें कुछ नहीं मिलता, इसलिए मजबूरन होकर आ जाने कलेक्टर ऑफिस आकर हमने हमारी समस्या का आवेदन कलेक्टर प्रियंका दास को दिया है। कलेक्टर ने दो दिन का आश्वासन देकर जांच करने की बात की है। वही कार्यपालिका में जाकर भी हितग्राहियों ने आवेदन दिया। वही मौके पर सिवनी मालवा जनपद पंचायत के सीईओ रीना चौहान को सभी हितग्राहियों ने सरकार अपनी बातें रखी। जनपद सीईओ हितग्राहियों के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। जांच करने की मांग को लेकर हितग्राहियों को वहां से टाल दिया। हितग्राहियों में जगराम उइके, दुर्गेश उइके, बलराम उइके, बंटी हरिजन, विशाल उइके, मारुति हरिजन और जनहित में काम करने वाले रिटायर्ड फौजी भागीरथ यदुवन काफी संख्या में लोग मौजूद थे। सिवनी मालवा से प्रमोद पटेल की खास रिपोर्ट। आज आप यहाँ आए, किस लिए आए? यहाँ इंदिरा आवास योजना के। और क्या क्या समस्या लेके आए? शौचालय के लिए, जुक्की के लिए। किसके पास आपने आवेदन दिया? कलेक्टर मैडम ने क्या बोला? उन्होंने बोला है कल वो आएंगे, दो दिन बाद, उसके बाद में वहाँ कहीं आके चेक करेंगे। आज आप यहाँ किस लिए आए हैं? आज हम ग्रामीण लोगों की समस्याओं के लिए आए थे। उनके लिए यानी प्रधानमंत्री आवास वगैरह के लिए कोई सुविधा नहीं दे रही है गवर्नमेंट। वहाँ पे सरपंच और सहायक सचिव अपनी मनमर्जी कर रहा है। जो अपने सगे संबंधियों को, पिता को, भाई को, उनके लिए इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है एवं उन्हीं को शौचालय बनाया जा रहा है। और कुछ निर्माण हुए हैं शौचालय जो 95% अनुपयोगी है, उनको हाथ धक्का देने से गिर जाते हैं, इसका कोई उपयोग ही नहीं है। तो ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ और हमारे गरीब लोगों के लिए, गाँव की समस्याओं को रखने के लिए कलेक्टर महोदय के पास आज हम गांव के जो सुविधाओं से वंचित हैं उन लोगों के साथ। कहां से आए हैं आप? ग्राम पंचायत बाबरी से।